अपने पप्पू के डोले शोले बनते रहे, क्योंकि सतीश जी की दुकान चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हाइट ना बढ़ना एक आम समस्या है। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, और जिस तरह की जीवन शैली हमारी हो गई है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस बहुत कम हो गई हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं, पूरी की पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, गैजेट्स का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है। हम अगर अपने बचपन की बात करें तो हम लोग कितना उछलते कूदते लटकते थे, भागते दौड़ते थे, लेकिन वहीं अगर हम अपने बचपन को आज की जनरेशन के बचपन से कंपेयर करें तो हमें अनुभव होता है कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम गैजेट्स पर जाता है, जिसकी वजह से वैसे ही वो झुके हुए रहते हैं, उनकी गर्दन झुकी हुई रहती है, कमर कंधे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन नहीं होता कि वो खुल करके सांस ले पाएं, प्रकृति के साथ तो वो समय बिता ही नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कन्फाइंड इनटू देयर रूम्स और हाउसेस जहाँ एयर कंडीशन चल रहा है, या वो गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी बहुत कन्फाइंड हो चुकी है। ऐसे में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़े, और बच्चे क्या जो टीनेजर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी हाइट बढ़े। मैं आपको आज बताऊंगी कुछ ऐसी बहुत सुगम सी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्या है वो क्रियाएं, ये हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। जीभ पर लगी चोट बहुत आसानी से हील हो जाती है। जीभ पर, टंग पर लगी चोट बहुत आसानी से हील हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट हील नहीं हो पाती। इसलिए सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करें, सोच समझ कर बोलें। हाइट बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से कुछ स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस करनी है, यानी कि सूर्य नमस्कार का आप नियमित अभ्यास करें, जो हमने आपके साथ ऑलरेडी इस कार्यक्रम में साझा किया है। सूर्य नमस्कार के अलावा आप क्या क्रियाएं करें, क्या प्रैक्टिसेस करें, आइए जानते हैं। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर के सीधे खड़े हो जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाना, एड़ियों को भी उठा लेना, पूरे शरीर को अपने पंजों पर बैलेंस करना, यथा सामर्थ्य रुकना जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड से वापस ले आना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल के प्रयत्न शैथिल्यम रिलैक्स। आप 5 बार इसे रिपीट कर सकते हैं। तान आसन के लिए कमर के बल लेटना, एड़ी पंजे मिला लेना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को सर से ऊपर ले जाना, अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना और शरीर के निचले हिस्से को नीचे की ओर खींचना, पूरे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। 5 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। चक्रासन के लिए अपने पैरों को फोल्ड कर लेना, अपनी एड़ियों से हिप्स को छू देना, हथेलियों को कंधों के नीचे ले आना, और इस स्थिति में सांस भरते हुए अपने हिप्स को पुश करते हुए उठाना, कमर को आग बना लेना, गर्दन भी सर भी उठा लेना, इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना, कमर के बल लेट जाना, रिलैक्स। आप कमर को रिवर्स मूवमेंट देने के लिए इस प्रकार से अपने पैरों को फोल्ड करके इस स्थिति में भी आ जाए और फिर शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। नियमित अभ्यास कीजिए, प्रकृति के साथ समय जरूर बिताइए, जितना संभव हो अपने आप को सीधा रखें, अपने पोस्चर को सीधा रखें, झुक करके ना रहें, गैजेट्स का, फोन्स का यूज़ कम करें क्योंकि वो आपके पोस्चर को ख़राब करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि लटकिए ज़रूर अगर आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। प्रॉपर डाइट लीजिए, ऐसी डाइट लीजिए जो इसमें विटामिंस हों, मिनरल्स हों, प्रोटीन्स हों, यानी फूड की प्रॉपर डाइट की डिफिशेंसी से भी कभी कभी हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। बस हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।